हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज यूनिवर्स का मैसेज और एनर्जी जो चल रही है, तो आपको उसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ कि कहीं डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव एनर्जी में, कहीं डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही स्टक फील हो रहा है, मैंने जैसे कि बताया था, और कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसे हो गई है कि मतलब सब कुछ ओवर हो चुका है, ना डीएम है ना कुछ है, ये लाइफ ही नहीं है, ऐसे भी कभी कभी एनर्जी फील हो रही होंगी कुछ डिवाइन फेमिनिन को। तो जो डिवाइन फेमिनिन को, सबको नहीं हो रही है ये, हाँ जिनको भी ऐसा हो रहा है कि सब कुछ ओवर हो चुका है, लाइफ ही खत्म हो चुकी है, मतलब लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो अभी तक के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन को ऐसा फील हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो प्लीज आपको समझने की जरूरत है कि ये आपके थॉट्स नहीं है और ये रियलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो इस थॉट को रिजेक्ट करो और बी पॉजिटिव में रहो। मैंने जैसे कि कल के वीडियो में भी बताया था आपको कि आप लोगों को सबको बी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और हमेशा रहना जरूरी है। इस वक्त और ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी आप थॉट्स प्रोसेस में रहते हो वो जल्दी ही यूनिवर्स तक के पहुंच जाती है। जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको इमिडिएटली आप उस पर ध्यान देके उसे रिजेक्ट करो, अगर वो नेगेटिव थॉट्स है तो। मतलब जहां पे आपको पेन हो रहा है, जो आपको दर्द देती है जो चीजें, वो थॉट्स पे नहीं होना है इंसान को, ना ही डीएम को याद करके रोना है। डीएम को हंस के याद करो, खुशी से याद करो कि आपको तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप हो तो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में होना भी बहुत ही खुशनसीबी की बात है हम सबके लिए, क्योंकि एक सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में, सच्चा प्यार, ओके। तो वो जो प्यार है, आपको सच्चा प्यार मिल चुका, और उसके लिए, लेकिन अपने डीएम से बात करके जो खुशी मिलती है ना आपको, उनको एक झलक देखने से भी अगर आपको खुशी मिलती है ना, लेकिन वो खुशी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ देखने से और बात करने से ही होती है। आप जब अपने आप के साथ होते हो तभी भी आपको खुश रहना है। आपको सेल्फ लव करते हुए अपने यूनिवर्स को अपने अंदर जब आपने समाहित कर लिया, इस यूनिवर्स को, आप ही हो यूनिवर्स, जब इस बात को समझ गए, ठीक है, और उस प्रकार से फील भी करने लगे हो और उसको नेचुरली फील करने लगे हो कि आप यूनिवर्स ही हो, मतलब भगवान आप ही के अंदर है, तो आप भी तो हो ना, है ना। तो हर इंसान में भगवान है, हर पशु पक्षियों में भगवान है, हर चीज में जो ये सृष्टि है, हर चीज में, वो सब क्या है, जो ये नेचर है, वो हमें सेल्फलेस लव करती है और हमें देती है, वाटर हमेशा देती रहती है, दैट्स द नेचर। भगवान ने बनाया है इस नेचर को, पेड़ पौधों को सिर्फ देते ही जाती है, ये नेचर हमेशा देने का ही काम करती है, सूर्य हमेशा देते रहता है ना। ये जितने भी सृष्टि बनाई है, सिर्फ इंसान ही है जो हमेशा लेने का सोचता है ना। तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सेल्फ लव होना चाहिए, मतलब देना मतलब त्याग करना नहीं होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। देना 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 सबको देना मतलब ये नहीं होता है कि त्याग करो, त्याग इज द डिफरेंट, त्याग करने की बात नहीं कर रही हूँ। आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद आपको दूसरों को देना भी सीखना है, ठीक है। तो यूनिवर्स हमारे अंदर है, ओके। तो यूनिवर्स ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स इस सृष्टि बनाई है, एक सुप्रीम पावर है, जिसे हम सुप्रीम पावर कहे, भगवान कहे, यूनिवर्स कहे, डिवाइन कहे, कुछ भी कहे, उन्होंने बनाया, इसीलिए हम हैं यहाँ पे। हमारी हम
कहाँ से, हम कैसे हैं, हम कहाँ से हैं, हम क्या हैं, इस सारा ये सारे सवालों का जवाब क्या है? सिर्फ यूनिवर्स, सिर्फ भगवान है ना। शुरुआत ही भगवान है, शुरुआत ही भगवान है और अंत भी भगवान है। मैं ही क्या बोलते हैं प्रभु, ईश्वर, भगवान क्या बोलते हैं? मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही जो भी आपको पता है। तो ये सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग, हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ भगवान है। और भगवान ही है जो हमारे अंदर है। इस बात को समझ के जब आगे बढ़ोगे तो सारी समस्या, जो भी थॉट्स प्रोसेस, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि लाइफ इज क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी क्वेश्चंस का आंसर है सिर्फ भगवान। सब जो भी चिंता है, जो भी डिजायर्स है, जो भी नीडीनेस है, जो भी आपके अंदर में हलचल चल रही है, जो भी परेशानियां हैं, सब प्रॉब्लम, सब कुछ भगवान पे के चरणों पे अर्पित कर दो और रिलैक्स हो जाओ कि भगवान आप हो ना, और क्या चाहिए मुझे, सब कुछ आप ही पे अर्पित कर दिया। आप मेरे अंदर हो तो मुझे क्या चिंता है, मैं तो आपका ध्यान कर रही हूँ, मैं तो हर पल आपको, हाँ अपना कर्तव्य, अपना काम और अपने कर्म मैं खुद क्रिएट करती हूँ, तो मैं खुद ही अपने काम करूंगी। मतलब इंसान को क्या करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। ऐसा नहीं कि भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया और हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, नहीं, हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा बेस्ट वर्जन बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बिना पढ़ाई किए एग्जाम लिख कर आऊंगे तो क्या होगा, पास हो जाऊंगे क्या? नहीं ना, भगवान तो आपके एग्जाम लेने के लिए हर पर तैयार है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई क्या है? इनर वर्क, अपने आप पे काम, अपना बेस्ट वर्जन। अपना बेस्ट वर्जन बनोगे कैसे आप? सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखना और ये सारी चीजें बस हो जाएंगी? अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान रखना है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाना है, वो सारी चीजें करने की कोशिश करना है जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। एक डिसिप्लिन बनाना है कि एक टाइम पे एक का, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आपको तकलीफ दो, आपको रेस्ट भी नहीं लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते भगवान। आपको ये मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको, मैं हमेशा ऐसा नहीं कहता हूँ कि अपना रेस्ट मत लो, अपने आपको तकलीफ देते रहो, नहीं, आपको जितना आपसे बनता है उतना करो, जबरदस्ती का भी नहीं करना है। यूनिवर्स का मैसेज ये आपके लिए है कि अपने आप को तकलीफ देके कोई काम नहीं करना है। तो फिर अपने आप को तकलीफ देके अगर आप कर रहे हो, डीएम को पाना है करके, हद से ज्यादा कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, हद से ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, हद से ज्यादा कुछ भी कर रहे हो जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता, आपकी हेल्थ के लिए इफेक्टिव और बैड इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो क्या होगा? क्या डीएम आपके पास आ जाएंगे? नहीं, ये तो खुद आपको, अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर रहे हो आप, तो फिर अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, ऐसा है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स का मैसेज ये है आपका, आप सबके लिए, जो भी डिवाइन फेमिनेंस है, सभी डिवाइन फेमिनेंस जो अपने आप को तकलीफ देती है कि डीएम को पाले, तो दिस इज नॉट अ इनर वर्क, इसको इनर वर्क नहीं कहेंगे। इनर वर्क ये नहीं कि अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, अपना, देखो कुछ डिवाइन फेमिनिन क्या करती है पता है, उपवास पे उपवास कर लेती है बहुत सारा। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने हेल्थ को खराब करो इस प्रकार से, ठीक है, करो बहुत सारा ऐसा, मतलब करना है, उपवास करना अच्छा होता है, लेकिन एक पद्धति होती है ना, वीकली वंस, लगातार अगर आप कर रहे हो कोई चीज बहुत ज्यादा तो तबीयत खराब भी हो जाती है। वीकली वंस टू, जैसे भी है आपको, वो अलग अलग बॉडी का अलग अलग रहता है, सब बॉडी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि कुछ बॉडी ऐसे ना कि जल्दी इन चीजों को रिजोल्व कर लेती है और कुछ चीजों को रिजोल्व नहीं कर पाती है। ज्यादा देर तक के आप मेडिटेशन में लगातार 2-3 घंटे तक के बैठ के कर रहे हो
तो वो भी चीजें क्या होती है, बैड इफेक्ट क्रिएट करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो बैक रीढ़ की हड्डी जो होती है उसे सीधी सीधी करके ही बैठनी होती है हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं। और हम जब मेडिटेशन में बैठ के अगर सीधे ही बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि बैक पेन, इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने ये आत्मा जो जन्म लेते रहती है इस अर्थ पे, और ये जो शरीर दिया है ये मैंने दिया, शरीर को भी तो भगवान ने बनाया, अपने आप तो तैयार नहीं हुआ ना, तो शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो कुछ चीजों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस बात को। और जहां तक के और क्वेश्चंस थे उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।